हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ सस्मिता चैनल में। अब हम मदुरई में पहुँच चुके हैं, तो रामेश्वरम से आते आते शाम हो गया है, इसीलिए हमने विदाउट रेस्ट सोचा कि चलिए और एक मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास समय की बहुत कमी है। हम जो मंदिर दर्शन के लिए आए हैं, ये प्रसिद्ध मंदिर है मदुरई का, जो कि है अलगर कोइल मंदिर। ये मंदिर जो है, ये भगवान विष्णु जी का विश्राम स्थल है। ये मंदिर पहाड़ियों में स्थित है और इतना सुंदर कलाकृति है, मैं क्या बताऊँ आपको। इसे अजगर के बिल के नाम से भी जाना जाता है। भगवान की मूर्ति पूरी तरह से पत्थर से बनी हुई है और इसकी मंदिर की जो कृति है, मैं आपको बोलने से आपको पता नहीं चलेगा, एक बार आके देखेंगे तभी तो पता चलेगा। बहुत सुंदर बनाया गया है। कभी अगर हो सके तो आप एक बार आइए, मदुरई ट्रिप में सारा घूम के जाइए। आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लग रहा होगा, मैंने जितना हो सका उतना वीडियो निकाला है। आगे की वीडियो देखते रहिए। हम लोगों ने दर्शन कर लिया है, दर्शन करके निकल चुके हैं। हम अभी जाएंगे, रात होने वाला है, हम जाके रेस्ट लेंगे, फिर सुबह हम जाएंगे मीनाक्षी मंदिर। टेम्पो ट्रैवलर ने हमें जो होटल में लाया वो है सनशाइन होटल। वो आपको सनशाइन हॉस्पिटल के बैक साइड मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा शानदार होटल है। मैं उसकी भी आपको एक झलक दिखाती हूँ। हम लोग फ्रेश हो गए, फ्रेश होने के बाद रात का डिनर भी किया उधर ही, क्योंकि नीचे आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा। डिनर किया, उसके बाद रेस्ट लिए, क्योंकि सुबह सुबह हमें उठ के फिर मंदिर मीनाक्षी मंदिर देखने जाना है। सुबह सुबह निकल गए हैं मदुरई मीनाक्षी मंदिर देखने के लिए। ये जो मंदिर है, ये शिव जी और पार्वती का मिलन का मंदिर है। जैसे कि शिव जी के रूप जैसे सुंदरेश्वर या सुंदर ईश्वर के रूप में, और उनकी पत्नी देवी पार्वती मीनाक्षी या मछली के आकार की आंखों वाली देवी के रूप में जाना जाता है। हमने सिर्फ सुना है मदुरई मीनाक्षी मंदिर के बारे में, बहुत एक्साइटमेंट है देखने के लिए, क्योंकि एक बार जाएंगे तो ही पता चलेगा। हम लोग अभी पहुंच गए हैं मीनाक्षी मंदिर, अंदर जाएंगे दर्शन करके आएंगे। अंदर तो मोबाइल की परमिशन नहीं देंगे। हमने तो देवी की दर्शन कर लिया है, दर्शन करके हम बाहर आ गए। ध्यान से देखिए कितना अच्छा बनाया गया है मंदिर। बाहर आपको अच्छा शॉपिंग करने के लिए भी मिल जाएगा, बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे। सुबह सुबह का समय था इसीलिए शॉप्स कुछ भी ओपन नहीं है, थोड़ा देरी होती जाएगी तो आपको शॉप्स ओपन मिल जाएगा। मीनाक्षी मंदिर की तो हमारा दर्शन हो गया, हम अभी होटल जा रहे हैं, होटल जाके फिर चेकआउट करेंगे।
हम अभी होटल पहुंच गए हैं, हम अभी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद चेकआउट कर लेंगे, क्योंकि हमें और एक मंदिर जाके वहाँ से एयरपोर्ट जाना है। ये हमारा तमिलनाडु ट्रिप का आखिरी दिन है, कि पता ही नहीं चला कैसे 3 दिन ख़त्म हो गए। हम लोग होटल से चेकआउट करके निकलने वाले हैं, निकलने के बाद हम जाएंगे और एक मंदिर के दर्शन करेंगे। हम अभी जा रहे हैं मुरुगन स्वामी जी के दर्शन के लिए। ये मंदिर जो है ये पहाड़ों इलाकों में है, इसे दक्षिणी हिमालय के रूप में से भी जाना जाता है। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ सुब्रमण्यम स्वामी जी का विवाह हुआ था, इसलिए इस मंदिर को विवाह के लिए एक पवित्र स्थान के रूप में जाना जाता है और ज़्यादातर विवाह समारोह इस मंदिर में ही होता है। हमने खुद देखा है ये मंदिर बहुत सारी विवाहित जोड़ियों को यहाँ मंदिर में। मंदिर पहुँच के हम लोग दर्शन भी कर लिए हैं, अभी हम निकलेंगे एयरपोर्ट जाने के लिए। हमने तो प्लानिंग के साथ हमारा तमिलनाडु ट्रिप ख़त्म किया, बहुत ही अच्छा ट्रिप था। अगर कभी भी आप तमिलनाडु ट्रिप करते हैं तो अच्छा प्लानिंग करके आइए, बहुत सारे अच्छे लोग यहाँ आपको मिल जाएंगे, हर चीज़ की जानकारी भी आपको मिल जाएगी। जैसे हमें पिक करके टेम्पो ट्रैवल लेके गया था, वैसे ही हमें एयरपोर्ट में लाके फिर से छोड़ा है। चलिए अब हम हैदराबाद के लिए निकलते हैं। मैंने तो खूब कोशिश की है आप सबको सारी जानकारी देने के लिए। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो देख के कुछ तो जानकारी मिली होगी। अगर आपको कुछ बात करनी है तो आप मेरे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी अगर सजेशन देना है तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको वो फुलफिल करके दूंगी। मेरे तमिलनाडु की जो सारी वीडियो हैं आप सब देख सकते हैं, मैंने सारी वीडियो आपको अपलोड किया है यूट्यूब में, आपको जानकारी मिल जाएगी। एक बार तो ज़रूर जाइए तमिलनाडु ट्रिप में, घूम के आइए। हम अभी पहुँच गए हैं, चलिए हम अभी एयरपोर्ट का एग्जिट पॉइंट देखते हैं।
आशा करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियो देखते रहिए। मेरी सारी तमिलनाडु ट्रिप का वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। और कभी अगर ट्रिप में जाएंगे तो मैं ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगी।